डूडी या फिट गर्ल, दोनों में से कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है? ये वीडियो लास्ट तक देखो और आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में कंपैरिजन डूडी और फिट गर्ल का, कि कुछ बेनिफिट्स आपको दोनों में, मतलब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर आप डूडी यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर फिट गर्ल यूज़ करते हैं तो बेनिफिट कौन से हैं, आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डूडी की। तो इसमें सबसे पहला आपको ये चीज़ मैं आपको माइंड में आपके बिठा दूँ, मतलब आपको जीबीज की टेंशन नहीं है तो फिर डोडी की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा जीबी की गेम्स होती हैं, मतलब अगर फिट गर्ल पर आपको कोई गेम 20 GB की मिल रही है तो यहाँ पे 35 GB, 30 GB, इतना फर्क तकरीबन इसमें पड़ जाता है। तो जीबी की टेंशन डोडी पे होते हुए नहीं लेनी। अब बात करते हैं कुछ डाउनलोड ऑप्शंस की। तो इसमें काफी ऑप्शंस हैं, दो जो जर्नल ऑप्शंस हैं वो एक डायरेक्ट डाउनलोड हो गया और दूसरा, तो इनमें तो ये तो दोनों वेबसाइट्स में हैं, तो इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा ही फाइल होस्टर्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं डोडी में, मतलब आप 500 MB के पार्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी गेम आपने डाउनलोड करनी है तो 500 MB के पार्ट्स में मिल सकती है, 2 GB के पार्ट्स में मिल सकती है, 5 GB के पार्ट्स में आपको मिल सकती है, फिर अगर ज़्यादा बड़ी गेम है तो 10 GB के पार्ट्स में मिल सकती है। तो डाउनलोड करना आपके लिए ईजी हो सकता है, ये मैं डायरेक्ट डाउनलोड की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे अहम जो चीज जिसकी वजह से लोग डोडी की तरफ जाते हैं, कि इसके जो इंस्टॉलेशन मेथड्स हैं, मतलब आप गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं दो तरीकों से। एक इसमें होता है फास्ट इंस्टॉल, वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी कवर करके, कि इन फास्ट इंस्टॉल में यह होता है कि वो कुछ बड़ी फाइल्स को वो कंप्रेस नहीं करते। गेम की जो सेटअप का साइज होता है वो कुछ ज्यादा बड़ा होता है, तो इस वजह से उसमें कंप्रेशन थोड़ी कम होती है, तो गेम जो होता है वो जल्दी बाहर आ जाता है, जल्दी गेम इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा इसमें होता है स्लो इंस्टॉल। अब स्लो इंस्टॉल में ये होता है कि गेम आपकी ज्यादा कंप्रेस होती है, फिट गर्ल जितनी नहीं होती लेकिन ज्यादा कंप्रेस होती है, उसकी वजह से ये टाइम ज्यादा ले जाती है, लेकिन आपकी जीबी बच जाती है लेकिन फिट गर्ल से कम बचती है। तो ये इसके दो इंस्टॉल के मेथड हैं। और एक अननाउन आपको फैक्ट बता दूं या एडवांटेज बता दूं आपको इस डोडी रीपैक का, कि RDR2 जब गेम रिलीज हुई थी तब कुछ ये फड्डा चला था फिट गर्ल और एम्ब्रस के दरमियान। एम्ब्रस गेम्स को वो करती है, वो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, आपको पता होगा। तो उसने कहा था कि सारा क्रेडिट ये ले जाते हैं जो रीपैकर्स होते हैं, तो इसलिए RDR2 के बाद उसके जो गेम्स होती हैं वो फिट गर्ल पे आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि फार क्राई 6 हो गई, वॉइड ऑफ लीजेंस हो गई, कुछ गेम्स हैं जो उसके बाद आई थी वो सारी जो है एम्ब्रस कर रही है, तो वो डोडी पे आपको मिलेंगी। फिट गर्ल पे आपको RDR2 से पहले वाली सारी गेम्स आपको मिल जाएंगी फिट गर्ल पे। अब बात करते हैं फिट गर्ल रीपैक की। तो फिट गर्ल रीपैक का सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहला फायदा जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो जीबीज हैं वो ज्यादा बच जाती हैं, मतलब गेम इस हालत तक कंप्रेस होती है कि आपको यकीन भी नहीं आता, जैसे लास्ट वीडियो मैंने कवर की थी, तो 30 GB की गेम 4 GB में, तो इतनी उसमें कंप्रेशन होती है। तो अब उसके बाद करते हैं डाउनलोड ऑप्शन की। वही जनरल दो डाउनलोड ऑप्शन जो पीछे मैंने बताए हैं वही इसके हैं, डायरेक्ट डाउनलोड और वो जो दूसरा होता है। अब इसमें जो डायरेक्ट डाउनलोड है उसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन का इसमें क्या मेथड है। इंस्टॉलेशन के मेथड के ऊपर सबसे ज्यादा बहस इसकी है कि ये टाइम बहुत लेती है। टाइम ये इसलिए लेती है क्योंकि इसमें कंप्रेशन ज्यादा यूज होती है, तो कंप्रेशन ज्यादा यूज होने की वजह से जब गेम को दोबारा आपने बाहर एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसकी वजह से आपको एक हैवी पीसी चाहिए, जिसमें कम से कम अपना आपके प्रोसेसर में 8 थ्रेड्स हो और 8 GB रैम हो कम से कम, तो आपकी गेम जो है वो जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। इस पर मेरी काफी वीडियोज हैं कि उसकी आप स्पीड को कैसे तेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स है आपको मैंने बता दी हैं। तो ये फर्क है। अब कंक्लूड करूं तो ये है कि अगर आपने MB बचानी है तो फिट गर्ल बेस्ट है, और अगर आपने MB नहीं बचानी है, आपके पास MB का ढेर है, तो आप डोडी की तरफ जा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब किया करो यार, बहुत पीछे जा रहे हैं हम दुनिया से। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।